के माध्यम से न्याय मिल सकता है। आदरणीय गवर्नर उनसे यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और ये लग रहा है माइक लग रहा भैया और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहे, वो जहाँ बीमार हैं कोविड में उनके साथ जो इलाज हुआ लगातार तकलीफ परेशानी में रहे, जेल में रहना पड़ गया उनको। इसलिए हमारा निवेदन था कि सरकार से कहें आदरणीय गवर्नर कि सरकार अन्याय उनके साथ न करे। जब हमारी मीटिंग स्पीकर से होती है। अच्छा, पासपोर्ट को लेकर भी कुछ बात हुई जो लगातार सर्वे हो रहा है इनका? सर्वे के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, PFI के खिलाफ कार्रवाई हुई है अखिलेश जी पूरे प्रदेश में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।